What's up guys? So welcome to our channel Multi M Square. तो ये वाला मेकअप सीरीज का फोर्थ पार्ट है. तो आज हम सीखेंगे कैसे आप आई शेडो लगाओगे. मेनली ये बिगनर्स के लिए है. कैसे आप परफेक्टली आई शेडो लगाओगे, मतलब स्टेप बाई स्टेप कौन सा शेड कहाँ पे लगाना है, कैसे क्या लगाना है, आज मैं सब बोलने वाली हूँ. कैसे आप आई शेडो अपने आँखों पे लगाओगे, है ना इंटरेस्टिंग. तो चलो शुरू करते हैं. आई शेडो एक मेन चीज़ है मेकअप का. जिसको आई शेडो लगाना आ गया उसे सब मेकअप आ गया. तो फिकर नॉट जी, इस वीडियो में आगे जाके आप सीख ही जाओगे कैसे लगाना है और आप बोलोगे कि कितना इजी है आई शेडो लगाना. तो चलो सबसे पहले मैं ब्रशेस के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ब्रशेस बहुत तरह के होते हैं, वो भी आप देख के सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. बट ये सारे मेन ब्रशेस होंगे आई शेडो के लिए, तो जिससे आप बहुत ईजिली आप लगा पाओगे एंड आपको ईजी होगा. तो ये सारे ब्रशेस हैं, ये पांच ब्रशेस मेन है. मतलब इसमें से एक भी अगर नहीं होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ये पांच मेन होंगे. ओके तो सबसे पहले ये वाला ब्रश, ये वाला ब्लेंडिंग के लिए बहुत ही स्मूथ होगा. आप अपने क्रीज एरिया में ऐसे नॉर्मली ब्लेंड कर पाओगे बहुत इजीली. देन सेकेंड है, ये दो ब्रशेस हैं, ये दोनों ही फ्लफी ब्रश हैं. ये वाला बड़ा वाला फ्लफी ब्रश है एंड ये वाला छोटा वाला. बड़ा वाला आप जिसका आई बड़ा होगा वो इजीली यहाँ पे सारे चीज़ को ब्लेंड कर पाओगे, इजी होता है उन्हें ब्लेंड करने के लिए. और ये छोटा वाला, इसे आप स्मॉल आइज में कर सकते हो. जैसे कि मेरा स्मॉल आइज है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ब्लेंड करने के लिए. नॉर्मली आप ऐसे ब्लेंड कर पाओगे, ये वाला मेरे लिए कन्वीनियंट है. नेक्स्ट है ये वाला. ये वाला ब्रश बहुत ही स्टिफ है. अगर आपको डिपॉजिट करना है तो ये वाला स्टिफ वाला ब्रश उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो. नॉर्मली आप आउटर कॉर्नर में ऐसे डिपॉजिट कर सकते हो एंड इसमें इतना आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे. देन उसके बाद है ये फ्लैट ब्रश. इसे नॉर्मली आप इधर आईलिड में, अच्छा अगर कलर आपको डिपॉजिट करना है, स्पेशली आप शिमर शेड या ग्लिटर वगैरह आप ऐसे डिपॉजिट इससे कर सकते हो ऐसे. देन लास्टली ये वाला ब्रश, ये बहुत ही थिन है. इसे आप नॉर्मली इनर कॉर्नर में एंड ब्राउ बोन में यूज़ कर सकते हो एंड ऑल्सो आप लैश लाइन में भी लगा सकते हैं. बिकॉज हमारा लैश लाइन बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही कम जगह है, इसीलिए ऐसे थिन ब्रश होते हैं लोअर लैश लाइन में लगाने के लिए. इधर आप इजीली कलर को लगा सकते हो. तो ये तो हो गए सारे ब्रशेस. तो अब मैं बताऊँगी कि कौन सा जगह क्या बोला जाता है, ये क्या है, ये क्या है, मैं ये सब आपको बताऊंगी. तो ये हो गया आपका क्रीज लाइन. मतलब आप जब आई ओपन करते हैं इधर एक जो लाइन दिख रहा है, ये वाला आपका क्रीज लाइन है. ओके यहाँ ट्रांजिशन और क्रीज कलर अप्लाई करते हैं और ये वाला एरिया ब्राउ बोन है. इधर हम हाईलाइट करते हैं एंड इनर कॉर्नर पे भी हम हाईलाइट करते हैं. और ये वाला एरिया आपका आउटर वी है, इसे आप आउटर कॉर्नर भी बोल सकते हो. और ये वाला आपका इनर वी है, जिससे कि आप इनर कॉर्नर भी बोल सकते हो. और बाकी एरिया बचे हुए उसे आईलिड बोलते हैं. और ये वाला लोअर लैश लाइन है. तो ये हो गया कुछ जानकारी कि किसे क्या बोला जाता है. तो हम आई शेडो अप्लाई करना शुरू करेंगे. तो पहले से मैं कंसीलर अप्लाई कर चुकी हूँ. आप कंसीलर अप्लाई करना, क्योंकि ना कंसीलर लगाने से आई शेडो उभर के आता है. आई शेडो का जो कलर होता है वो पूरा उभर के दिखता है. तो मैं इधर स्मॉल फ्लफी ब्रश ले रही हूँ एंड ये मिलाओ ग्लैम 18 कलर आई शेडो पैलेट से शेड नंबर 1 मैं यूज़ कर रही हूँ. तो मैं इधर ट्रांजिशन शेड अप करूँगी एंड ट्रांजिशन शेड के लिए आपको हर वक्त लाइट कलर ही लेना है. तो आप ये वाला शेड ले सकते हैं, नहीं तो ये वाला शेड ले सकते हैं, नहीं तो ये वाला शेड ले सकते हैं. जो भी लाइट कलर होगा वही आपका ट्रांजिशन शेड बोला जाता है. तो मैं अब ये वाला ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ. इसे यहाँ पे भी आप कलर को लेना देन एक्सेस को रिमूव करना. इधर एक टिप्स है कि आप ब्रश जब भी पकड़े इधर एंडिंग से आप पकड़े. कोई कोई होता है पूरा इधर स्टार्टिंग से पकड़ के करते हैं, ऐसे नहीं करना है. तो आप इधर आप एंडिंग से पकड़ना. अगर एंडिंग से आप पकड़ोगे आपको स्मूथली आप ग्लाइड कर पाओगे, आपको इजी होगा, कन्वीनियंट होगा मूव करने के लिए. नहीं तो अगर आप इधर से पकड़ के करोगे तो ये वाला
बहुत ही फोर्सफुली होगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा, ब्लेंड अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसलिए हर वक्त आप ब्रश को एंडिंग से ही पकड़ना। तो मैं अभी ये वाला जो क्रीज लाइन है वहाँ पे आपको ट्रांजिशन शेड करना है, तो आप ब्रश को इस तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे मूव करना, इधर एक ट्रांजिशन लाइन हो गया, इधर आप देख रहे हो वो कहीं नहीं गया, वही लाइन के ऊपर ही आपका ब्लेंड हुआ है। तो इस तरह से आप ब्लेंड करना, आप नॉर्मली ट्राई करना, आप इधर से पकड़ के करोगे इतना स्मूथली आपका ग्लाइड हो जाएगा, और आप इधर से पकड़ के करोगे ये ब्लेंड ही अच्छे से नहीं होगा, बहुत फोर्सफुली करोगे जो कि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, यहाँ से आप करोगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इधर एक ट्रांजिशन लाइन हो गया। अब आप यहाँ पे आउटर वी में, आउटर कॉर्नर में आपको इधर थोड़ा डार्क कलर लेना है, उससे थोड़ा सा डार्क लेना है, मतलब कि मैं इधर ये वाला लूँगी, इससे थोड़ा ये वाला डार्क है तो ये वाला शेड लूँगी, इसको रिमूव की एंड इधर वही फ्लफी ब्रशिंग में कर रही हूँ, इधर पहले डिपॉजिट की, पहले आप इधर डिपॉजिट करना, फिर आप स्मूथली मिडिल एरिया तक बस ऐसे करना, ऐसे आप ऐसे राउंड राउंड देन राउंड करना देन ऐसे मिडिल तक राउंड करना देन ऐसे मिडिल तक, देख रहे हो बहुत ही सुंदर शेड हो गया, इधर लाइट है एंड इधर डार्क है। हर वक्त आप जब भी आई शेडो लगाना इनर कॉर्नर देखना, आप हर वक्त लाइट कलर लेना एंड आउटर कॉर्नर पे आपका डार्क कलर होगा। देन उसके बाद आपका जो इनर कॉर्नर है, इनर वी एरिया है, इधर आपको एक वाइट शेड में लूँगी, वाइट शेड मतलब मैं थोड़ा सा लाइट ये वाला शेड लूँगी एंड मैं इधर इसमें आप यहाँ पकड़ के ऐसे कर पाओगे बिकॉज आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप जब ब्लेंड करोगे इधर से पकड़ना। देन उसके बाद इधर आपको एक हार्श लाइन दिख रहा होगा, उसके लिए फिर से आप फ्लफी ब्रश लेना एंड ये दोनों कलर को मिक्स कर देना, ऐसे ऐसे कर देना, देन डैप डैप, देन वो हार्श लाइन को मिटाने के लिए ऊपर ऐसे स्लाइटली ब्लेंड करना, आउटर से ब्लेंड कर देना। देन आप आउटर वी में जो कलर लगाए हो उसे आप लोअर लैश लाइन में लगाना, तो उसके लिए मैं ऐसे थीन ब्रश ले रही हूँ एंड वही शेड को लेके फिर ऐसे डैप डैप करके, देन आप उसके बाद इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से वही फ्लैट ब्रश लूँगी एंड ये वाला शिमर शेड लूँगी ऐसे करके एंड उसे आई लिड में ऐसे लगाऊंगी, और आप ऐसे लगाते वक्त ऐसे कर देना, इसे आप भी ऐसे इधर से पकड़ सकोगे क्योंकि ना इसे आप लगा रहे हो, इसे ब्लेंड नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लगा देना। आप चाहो तो आप फिंगर से भी ऐसे लेना, फिंगर से और भी ज़्यादा इजी होगा, पर आप फिंगर से लेके इनर कॉर्नर तक मत जाना नहीं तो वो बाहर लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। और आप इसे लगाते लगाते आप क्रीज के ऊपर मत जाना, आप क्रीज में ही लगाना, तो आप देख रहे हैं मैं क्रीज के ऊपर ही नहीं गई हूँ, क्रीज के अंदर ही लगाई हूँ। एंड उसके बाद फिर से आप वही ब्लेंडिंग ब्रश लेना एंड ये वाला शेड लेना, एंशन शेड को भी इधर आप ऐसे जो हार्श लाइन होगा उसे आप ब्लेंड कर देना। तो ऐसे हो गया आपका आई मेकअप, तो अब मैं इस साइड कर देती हूँ, तो ये हो गया। अब आप वही थीन ब्रश लेना एंड ये वाला शिमर शेड लेना, ऐसे ही थोड़ा सा लेना एंड एक्सेस रिमूव करना, इधर आप इनर कॉर्नर पे लगाना थोड़ा सा लोअर लैश लाइन के पास, देन और थोड़ा लूँगी सर ब्राउ बोन में, थोड़ा ब्राउ बोन में आप इधर से इधर इधर मत जाना नॉर्मल। तो ये हो गया आपका आई मेकअप डन,
सिंपल सा आई मेकअप एंड इसके बाद बस आईलाइनर मस्कारा डन। तो आपको ये आई शेडो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दो और साइड में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास पहले पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप। ओके चलो बाय।